आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर के टपरी मार्ग पर मंगलवार को सुबरी में भटखेड़ा के बीच एक अज्ञात वाहन में बाइक सवारों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक गांव सुबरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ टपरी मार्ग पर जमा हो गई और वहाँ पर जाम लगाकर मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने जाम लगा रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जामकारी नहीं माने, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख बलियाखेड़ी इमरान मलिक मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाए जाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। अच्छा, ग्राम सुबरी महाराज। अभी सुबह लगभग 10 बजे दो लड़के हमारे नागल जा रहे थे अपना सामान लेने के लिए, और वहाँ से सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, उसने दो लड़कों को टक्कर मार करके और छोड़ करके चली गई। दो लड़के मर चुके हैं दोनों हमारे, तो अभी ये यहाँ पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है। गरीब परिवार है। ये जाम क्यों लगाएगा, क्या मांग आपकी? पूरा गांव कार्रवाई की मांग करे, जो गाड़ी पुलिस की गाड़ी थी उन पर कार्रवाई हो, और जो बच्चे हमारे मरे हैं, जो भाई मरे हैं, उन्हें उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। सुबरी महाराज के अंदर जो आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दो बच्चे एक्सपायर हो गए, उसी के संबंध में यहाँ पर गाड़ी आए हैं, उनके घर वालों से बातचीत की गई है। आपका जो जाम लगाया था वो खुलवा दिया गया है, और उनके आधार जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर एफ आई आर दर्ज की जाएगी और पीएम की कार्रवाई जारी है, और अभी कोई लॉ नोटिस की स्थिति नहीं। सर, वाहन का पता लगता है सर, कौन सा वाहन? तरह तरह की चर्चा है कि पुलिस का वाहन था, कोई अज्ञात वाहन था, कुछ तरह का? अभी तक जैसे उनसे बात हुई है उसके संबंध में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी होगा उसके विरुद्ध बिल्कुल प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ उपद्रवियों ने सर सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा ATM बदलकर उनका क्लोनिंग कर ATM तैयार कर रुपयों की चोरी करने वाले गिरोह के दो अभियुक्त विनय कुमार व सोमपाल को गांधी पार्क जनमंच के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 30 ATM, दो लैपटॉप सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। ATM बदलकर उनका क्लोनिंग कर ATM फ्रॉड करने वाला यह गैंग को पकड़ा गया है। ये अंतर जनपदीय गैंग है, इसमें अभी तक दो अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है, और अभियुक्तों के कब्जे से करीब 6 मोबाइल फ़ोन, दो लैपटॉप और 30 ATM कार्ड, और जो अन्य जो स्वैपिंग मशीन है और जो फ्लॉपी है, 4 डाटा केबल है, और 17,000 रुपये बरामद हुए हैं, और इनसे बहुत गहराई से पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, और इन्होंने तमाम जो घटना किए हैं कि जो ATM के बाहर जो लोग खड़े रहते हैं उनको मदद देने के लिए जाके उनकी ATM कार्ड बदलते हैं और बदल के उनका उनकी अकाउंट से पैसा निकालते हैं, तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इस गैंग से जुड़े हुए अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुटे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना फ्रॉड किया होगा? मंगलवार को सहारनपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शमीम अहमद के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। हमने 8 दिन पहले बिजली माफ़ करने के लिए, बिजली का जो बिल है वो माफ़ करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। उसके अलावा पराली जो जलाई जा रही है, पराली जलाने के अवज में मेनपुरी में अभी 4 किसानों को गिरफ्तार किया गया, वो भी गिरेवान पकड़ के, जो ये बर्दाश्त नहीं होगा, उनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, गलत तरीके से। और हम ये चाहते हैं कि एक तो किसानों को जो है उनका जो भी उत्पीड़न किया जा रहा है वो रोका जाए,
और पराली पर कोई ना कोई छिड़काव किया जाए ताकि वो पराली ख़त्म हो वहाँ से और प्रदूषण ना फैले। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो। और उसके अलावा गन्ने का भुगतान 14 दिन में किया जाए। अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं किया जाएगा, हम लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन पर बाध्य होगा। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल बेदी जी, उनके आदेशानुसार हम पूरे उसमें जो है सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। सहारनपुर में मंगलवार को नगर निगम के तत्वावधान में गो विज्ञान शोध समूह के द्वारा KLG पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में गाय के गोबर से बने हुए दीपक का वितरण किया गया। में गौ सेवा के संबंध में प्रदेश में काम शुरू हुआ, उसी क्रम में मैं कह सकता हूँ डॉक्टर दिनकर मलिक जी महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, गौ माता के गोबर से जो दिए बनाना, उनके कैंडल बनाना और जो उसमें अंत्येष्टि में लकड़ी यूज होती है उसके स्टिक बनाना, इस प्रकार के गाय के गोबर का सही इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है, उस विषय में डॉक्टर दिनकर मलिक जी को अपनी एक बड़ी शोध है, उसी के आज उद्घाटन दियो का करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से गौ माता की जो सेवा है उसे और कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमने और नगर साहब ने मिलकर एक बड़ी गौशाला का निर्माण भी किया है, तो गौ सेवा के संबंध में जो जो कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश हैं उन्हें लगातार सहारनपुर नगर निगम के माध्यम से जनता के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मंगलवार को विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कुलदीप बालियान व महिपाल माजरा रहे, जिन्होंने कैडर कैंप को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। इस दौरान बैठक में अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहाँ जो आने का काम किया है, पार्टी का बेस, पार्टी के नीतियाँ सुनने का काम आप लोग करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी बात पर माने नगर दल जी सत्ता भाई अगला काम शुरू करेंगे, अगला जो भी वक्ता है उनका काम करेंगे, उन्हें फिर एक बार फिर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।